हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल्स अपने पास में कौन कौन से होते हैं, राइट? कि कितने आखिर में नंबर होंगे, जैसे अगर कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। हर किसी नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोला जाता, उसको पता करने के अपने पास में रूल्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपने पास में सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग उसको पढ़ के समझते जाते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला रूल है अपने पास में, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं जीरो को छोड़कर, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाती है। सो जैसे एग्जाम्पल है, 13.75 हैज़ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितना है, 13.75, यहाँ पे इस नंबर में एक भी जीरो नहीं है, और नॉन जीरो का मतलब यही होता है जिसमें जीरो नहीं आ रहा हो। तो चार नंबर है और चारों के चारों को अपन बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, करेक्ट। सेकंड पॉइंट अपने पास में, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, सारे जीरोज जो टू नॉन जीरोज डिजिट्स के बीच में हो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि 100.05। यहाँ पे देखिए, इनिशियली और एंडिंग में 1 और 5 है जो कि नॉन जीरो हैं, और इनके बीच में टोटल कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब कि अगर कोई भी दो डिजिट्स हैं जो कि नॉन जीरो हैं और उनके बीच में अपने पास में दो डिजिट्स हैं जो कि आपकी जीरो नहीं है, नॉन जीरो हैं, और उनके बीच में अगर आपके जीरोज हैं तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे इस डेटा के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगली की बात करें, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए 86400 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे पॉइंट कहीं पर भी लगा नहीं रखा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद में कहीं ना कहीं पॉइंट है ना। तो अगर कोई ऐसा अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ 3 होंगे, मतलब जीरो को वहाँ पे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने आपके पास में, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, करेक्ट। लेकिन अगर यही केस आपके पीछे सेकंड लग जाए, जैसे 86400 सेकंड, मतलब अगर किसी एक्सपेरिमेंट से अगर आपको ये वैल्यू मिले तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नॉर्मली अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर एक डेटा है जो कि एक्सपेरिमेंट वगैरह से मिला है आपको, तो उस केस में आपको सारे के सारे नंबर्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। अगला है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 648700 के आगे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, एक्चुअल में पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई अंडरस्टूड पॉइंट नहीं है, तो इससे पहले के जितने भी आपके जो डिजिट्स हैं लेफ्ट में वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि इसके अंदर टोटल कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगले पॉइंट की बात करें तो ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट से राइट में, जैसे यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है राइट, मतलब ये वाला, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट है राइट, मतलब ये वाला, इस तरफ वाला एरिया, आर सिग्निफिकेंट। सो 161 सेंटीमीटर, 161.0 सेंटीमीटर एंड 161.00 सेंटीमीटर हैव, पहले वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस वाले में, दूसरे वाले में 4 सिग्निफिकेंट है, और तीसरे वाले में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरीके से पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होंगे, आपके जो जीरोज हैं वो भी क्या होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि राइट में आपका, आप ये बोल सकते हो जो जीरो है वो, और उससे पहले लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर बोथ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस केस में देखिए, पॉइंट के बाद में ये जो जीरो आया इसका कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। इस केस में और इस केस में दोनों में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने, 3 ही है आपके पास में, ठीक है। Moreover, जीरो conventionally placed to the left of the decimal point is not significant. ये अपने को पता ही है कि पॉइंट से पहले अपन लोग जीरो लगाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट वैसे भी नहीं होता। अब अगला पॉइंट है अपने पास में 7, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि CGS में हो, MKS में हो, SI में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो उतने ही रहेंगे। जैसे 16.4 सेंटीमीटर या फिर 0.164 मीटर या फिर 0.000164 किलोमीटर, ऑल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इन सभी के अंदर कितने, 3 सिग्निफिकेंट
फिगर्स होंगे। तो ये अपने पास में कुछ रूल्स थे डिटरमाइन करने के, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा फिर से और इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।